नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। गत दिवस हिसार के सेक्टर 14 में भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण ऐरन के घर पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करने के लिए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शिरकत की, जहां उनके साथ इस्पात मंत्री बीरेंद्र सिंह, हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे उनके पुत्र ब्रिजेंद्र सिंह, मेयर गौतम सरदाना, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, जिला महामंत्री सुजीत कैमरी, भाजपा नेता घोलू गुजर व अन्य गणमान्य लोगों के अलावा शहर भर के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस मौके पर जब सिटी बिग न्यूज ने भाजपा नेता कृष्ण ऐरन व विजेंद्र बैनीवाल से बातचीत की तो उनका कहना था कि हिसार लोकसभा सीट से ब्रिजेंद्र सिंह 1,00,000 से भी अधिक वोटों से विजयी होंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी वहां आए सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए पहले तो भाजपा की जन कल्याण नीतियों का बखान किया व बाद में राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसी उम्मीदवार तक भी राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगने से शर्मा रहे हैं। तो मित्रों, सब विषय बताने के लिए, समझाने के लिए आप बड़े बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत विषय आपके पास है। अपनी अपनी भाषा में आप लोग अपने अपने वाक्यों के हिसाब से लोगों को समझाइए। टारगेट एक ही है, हमारा मछली का जो आंख है वो हमारा निशाना है। ये मई 12 बीजेपी दोबारा और 23 मई कांग्रेस गई, मई 12 बीजेपी दोबारा, 23 मई कांग्रेस गई। इस लक्ष्य को पार करें और जब हम अपने इस लोकसभा क्षेत्र से हिसार से चौधरी विजेंद्र सिंह जी को भारी मतों से जिता करके सांसद बना करके भेजेंगे, नरेंद्र मोदी जी की चाहत के हिसाब से हमने 10 की 10 सीटों पर जीत करके और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालना है। ये काम आप करिए, पुनः आपको धन्यवाद करने के दौड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अंकिता सिंह, स्वागत करती हूं आपका सिटी बिग न्यूज पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार के सेक्टर 14 में, जहां पर मेरे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण ऐरन जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए जनसभा का आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कृष्ण ऐरन जी से कि इस जनसभा के पीछे इनका क्या मकसद है। मैं पहले तो सभी हिसारवासी सब मिलकर माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का, और उनको ये आश्वासन दिलाएंगे कि हिसार की लोकसभा सीट उनके आने से, पहले हम मार्जिन होता था मान लो 1,00,000 से, तो उनके आने से 2 गुना बढ़ जाएगा। लोगों में इतना उत्साहित है, लोग वो कहते हैं ऐसा ईमानदार मुख्यमंत्री हमने देखा ही नहीं कभी। तो उनसे, उनके आने से हिसार लोकसभा सीट कंफर्म हो गई है। जीत तो छोड़ो, हम काफ़ी लाखों वोटों से जीत कर उनको उनकी झोली में डालेंगे और नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाएंगे। ये इस सोच के लिए हमें जनसभा की है और लोग मुख्यमंत्री जी को, काफ़ी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और काफ़ी चाहते हैं, इसलिए जनसभा की है, उनको आमंत्रित। आपको क्या लगता है कि हिसार में ब्रिजेंद्र सिंह जी का कॉम्पिटिशन में कौन है? हम तो किसी को नहीं मानते, काफ़ी मार्जिन से जीतेंगे और हम कंपटीशन नहीं मानते भाई, किसी भी कैंडिडेट के साथ कंपटीशन होगा हम नहीं मानते। हम तो काफ़ी मार्जिन है, काफ़ी आगे हैं, विजेंद्र सिंह जी काफ़ी आगे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई हराने वाला नहीं। सर, आज सीएम जी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके यहाँ पधारने के पीछे क्या कारण है? यहाँ पे क्या है कि बीजेपी की पूरे इंडिया के अंदर सिर्फ मोदी जी की एक किस्म से लहर बनी हुई है और यहाँ मुख्यमंत्री जी आकर वोटों की अपील करेंगे और यहाँ की जो जनता है, ये यहाँ के जो नागरिक है, पढ़े लिखे है, वो पहले से ही आग्रह कर चुके हैं कि यहाँ पे पूरा समर्थन, पूरा दिल से समर्थन मान ले कि बीजेपी का करेंगे और चौधरी विजेंद्र सिंह जी लाखों वोटों से विजयी घोषित होंगे। क्या लगता है आपको कि मनोहर लाल खट्टर जी के आने के बाद वोटों में कितना असर पड़ेगा, चुनाव में कितना असर होगा? उनके आने से पहले ही एक तरफ की लहर है और उनके आने से तो मजबूती और ज़्यादा बनेगी, इसलिए हम ये सब जो आज मुख्यमंत्री, कम से कम हिसार के अंदर 12 या 13 सभाएं हैं जी। और सारों पे चाय पानी का है, 2-3 जगह सभाएं भी है और पूरी एक तरफी लहर है बीजेपी की इसमें। फॉर मोर अपडेट्स कीप वॉचिंग सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।